जय हिंद नीट एग्जामिनेशन को पोस्टपोन करने के लिए लोग अपनी डिमांड को रख रहे हैं, क्योंकि सभी लोग नीट का एग्ज़ाम देने के लिए पक्ष में है, और लेकिन उनके एग्ज़ाम डिफरेंट एग्जामिनेशन के साथ क्लस कर जा रहा है, इसलिए वो मांग कर रहे हैं। सो गाइस, अगर हम ट्विटर पर देखें तो पूरी तरह से अभी भी ये टॉप वन पर ट्रेंडिंग चल रहा है नीट को पोस्टपोन को लेकर। देखिए, 12 घंटा पहले अगर आप देखते हैं तो इन्होंने एक जो है उन्होंने साफ साफ लिखा है कि अगर यही चुनाव करीब होता तो सरकार अपने सारे नियम कानून तोड़ कर नीट के एग्ज़ाम को स्थगित कर देती, लेकिन अभी घमंड सर चढ़ चुका है। चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो या उनके मंत्री, सभी अपने आप को भगवान मान चुके हैं। एनटीए तो पहले भी नीचे था और आगे भी रहेगा, इस तरह से लोग अपने अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। ये भी उनका व्यक्त करना उनका फंडामेंटल राइट है और डिमांड करना, क्योंकि एग्जामिनेशन लोगों का सिर्फ इतना ही कहना था कि 1 वीक का एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए, ना कि पूरी तरह से पोस्टपोन किया दिया जाए। क्योंकि अभी जो आप देखेंगे कि कोविड का केसेस जो है केरला में 25,000 से ज़्यादा केसेस पर डे आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर 16 मिनट पहले जो है केरला में बताया जा रहा है कि 25,000 प्लस कोविड केसेस रिपोर्टिंग डे बाई डे एलोंग विद डैट द नीपा वायरस टू सर एज यू नो द क्लसिंग ऑफ एग्जामिनेशन टू कंट्रीब्यूट टू आवर स्ट्रेस लेवल। सो लोगों का स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे नीट का एग्जामिनेशन का डेट सामने आ रहा है। सो गाइज, आप लोग भी नीट के एग्जामिनेशन को डिमांड अवश्य कर रहे हैं, आपका मांग करना सही है, क्योंकि मैं सिर्फ स्टूडेंट की बातों को जो देखता हूँ वो बात मैं आप लोगों तक शेयर करता हूँ। अभी भी लोग उम्मीद लगाए रखे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बीच में जरूर शिक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री जी कुछ सकारात्मक यानी पॉजिटिव वे में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स ज़रूर लेंगे। सो गाइज, आप लोग देखिए, अभी ट्वीट जो है लेटेस्ट जो ट्वीट है वो भी देखिए, अगर आप देखेंगे तो वो भी ट्विस्ट भी कहा, यही कहा जा रहा है कि हेलो एवरीवन ट्वीट फ्रॉम 1 बजे, फिर ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ एवरीवन 1 बजे सब मिलकर ट्वीट करें। सो गाइज, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन कर लीजिए। जय हिंद।